नीव द क्यू। आज हम पीटर फर्स्ट की प्रैक्टिकल जॉब रेडी करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले MS का पीस कटिंग करना है। साइज आप देख सकते हो 75x72x10mm का जो पीस जो है, फ्लैट साइज जो है, उसके अनुसार कटिंग कर लेना है। तो देखिए हमने कटिंग कर लिया है। उसके बाद में जॉब को वाइस में क्लैंप करना है। टू साइड जो है हम इसका राइट एंगल करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो फाइलिंग आपको करनी होती है। दो साइड जो है आपको पहले राइट एंगल करना है, क्योंकि मार्किंग करने के लिए दो साइड को राइट एंगल करना ज़रूरी है। साथ साथ में आपको ट्राई स्क्वायर की सहायता से एंगल को चेक कर लेना है, ताकि उसमें किसी तरीके का कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद में इस तरीके से आपको फाइलिंग करनी है। फाइलिंग करने का मेथड देख सकते हो आप। इस तरीके से आपको ड्राफ्ट फाइलिंग भी करनी है। इससे क्या होता है कि आपका जो राइट एंगल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है। फिर आपको चेक करना है। तो देखिए एक बार फिर चेक किया जा रहा है। देखिए इस तरीके से बार बार आपको चेक करना है, क्योंकि राइट एंगल से ही आपकी जॉब जो है अच्छी और सुपर क्वालिटी की बनती है। तो देखिए राइट एंगल कर लिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से राइट एंगल टू साइड कर लिया गया है, टू साइड को रफ कर दिया गया है। उसके बाद में आप देख सकते हो मार्किंग मीडिया इस तरीके से आपको लगाना है, बिल्कुल पैरेलल आपको कर देना है। तो आप देख सकते हो उसके बाद हमने रेडी कर लिया है जॉब को। मार्किंग मीडिया लगा दिया गया है। इस तरीके से जितनी भी जो विद्यार्थियों को कंप्लीट करनी है, स्टेप बाई स्टेप जो है मार्किंग मीडिया लगा लिया गया है। उसके बाद में देखिए चलते हैं, मार्किंग करते हैं वर्नियर हाइट गेज के द्वारा। ड्राइंग हमारे पास रखी हुई है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाई स्टेप जो है मार्किंग करनी है। आपका जो साइज जो है बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन के ऊपर ही आपको वर्नियर हाइट गेज को सेट करना है। उसी के अनुसार आपको मार्किंग करनी होती है। तो देखिए ये मेथड रहता है, क्योंकि जब आप मार्किंग करते हो तो एक ही पास में आपकी लाइन जो है वर्नियर हाइट गेज से लगानी होती है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये इसका मार्किंग करने का जो है वर्नियर हाइट गेज से ये मेथड होता है। अब दूसरी साइड से हमने जॉब को लगा लिया है। इस तरीके से आपको जो है इसकी मार्किंग करनी होती है। स्टेप बाई स्टेप देख सकते हो आप किस तरीके से मार्किंग की जा रही है। देखिए इस पीस के हम दो पीस करेंगे। बीच में आपको 4mm की लाइन, बिल्कुल छोटी सी लाइन एक दिखाई दे रही है। अब हम करते हैं पंचिंग। तो देख सकते हो जहाँ पे पंचिंग करनी है, तो ये स्टार्ट कर दिया गया है। डॉट पंच की सहायता से आपको पंचिंग करनी होती है जॉब पे। और बॉल पेन हैमर हमने लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको जो है स्टेप बाई स्टेप पंचिंग करनी होती है। देख सकते हो बिल्कुल जो लाइन जो है उसके सेंटर में आपको पंच लगाने होते हैं। तो देखिए दोनों पीस की जो मार्किंग है हमने एक साथ की है। बीच में से इसको हम कटिंग करेंगे। तो देख सकते हो फाइनल जो है हमारी जो है पंचिंग हमने कर ली है। ड्राइंग के अनुसार मैच भी कर लिए, बिल्कुल सही है। तो बीच में से जो दो पार्ट थे वो हमें अलग अलग करने हैं अब, ठीक है। तो बीच में 4mm का जो गैप दिया हुआ था वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में आप देख सकते हो रफ जो कटिंग जो है एक्से के द्वारा की जा रही है। इसी तरीके से आपको जो है रफ कटिंग जो है एक्से के द्वारा कटिंग कर लेना है। तो देखिए किस तरीके से आपको करना है। उसके बाद में फिर जॉब को दूसरी साइड से लगाएंगे। एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है बिल्कुल लाइन के पैरेलल ही आपको काटना होता है, ताकि आपको फाइलिंग हार्दिक न करनी पड़े। अगर दूरी से ज़्यादा काटोगे तो एक्साइंग यानी जो फाइलिंग जो है वो आपको ज़्यादा करनी होती है। इसलिए बिल्कुल मार्किंग या पंचिंग जो की हुई है उसी को आधार मान के आपको इसके ऊपर एक्साइंग करनी होती है। तो देखिए इस तरीके से बच्चे जो हैं स्टेप बाई स्टेप जो है जो गाइडलाइन दी हुई है उसी के अनुसार एक्साइंग कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल जो है जॉब का जो है हटाया जा रहा है। तो बिल्कुल देख सकते हो आप इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद में रफ फाइल की सहायता से आपको बिल्कुल पंचिंग के पॉइंट तक आपको घिसना होता है, फाइलिंग करनी होती है। तो देख सकते हो किस तरीके से बच्चे जो हैं फाइलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल काफ़ी सुपर तरीके से जो है बच्चे फाइलिंग करते हुए। क्योंकि ये अगर आप फाइलिंग अच्छी करते हो तो जॉब बिल्कुल अच्छी बनती है। एक तो फाइलिंग बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी फाइलिंग अगर आप करते हो तो जॉब अच्छा बनेगा। और जो पंचिंग की हुई है, जो मार्किंग की हुई है, उसको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से आपको फिर चेक कर लेना है कि आप प्रॉपर जो है पंचिंग के अकॉर्डिंग जो है फाइलिंग कर रहे हो, और साथ साथ में वर्नियर कैलिपर की सहायता से जो साइज दिया हुआ है उसको बार बार आपको चेक करना है। इसकी डेप्थ भी चेक करेंगे, क्योंकि जो गहराई है वो 10mm हमने रखी हुई है।
डेप्थ गेज के द्वारा वर्नियर कैलिपर से चेक करना होता है, क्योंकि बार बार साइज चेक करते हो तो आपकी जॉब बेसिकली अच्छी बनती है, क्योंकि साइज बहुत ही मायने रखता है, तभी जॉब के अंदर इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आता है। तो देखिए फाइनली जो है हमने इसको फिट कर दिया है बच्चों ने, तो देख सकते हो इस तरीके से जॉब को बनाया गया है। कंप्लीट प्रोसेसिंग आपने देख ली है, अब हम करेंगे फिनिशिंग। फिनिशिंग के लिए सबसे पहले देख सकते हो किस तरीके से बच्चे जो है फिनिशिंग कर रहे हैं। आपकी फाइल जो है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना चाहिए। देखिए ये बच्चा किस तरीके से फाइलिंग कर रहा है। तो देखिए आप भी ऐसी जॉब बना सकते हो। फाइलिंग देखिए किस तरीके से की जा रही है। इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी वीडियो में मैंने ज़्यादा कर दी है, तो धीरे धीरे आपको बिल्कुल पैरेलल जो है आपको फाइलिंग करनी होती है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल जो है दोबारा से घुमा के दूसरी साइड से जो है फाइलिंग कर रहे हैं। अगर आपकी फाइलिंग अच्छी होगी तो जॉब ऑटोमेटिक ही अच्छी बनेगी। फिनिशिंग के लिए आपको विशेष ध्यान रखना होता है। नीचे देखिए कपड़ा हमने लगा दिया गया ताकि जॉब की साइड जो है ख़राब ना हो। फाइनली जो है हमने स्टेप एंड एंगुलर फिटिंग प्रैक्टिस रेडी कर दी गई है। तो आपको क्वालिटी दिखाते हैं भी कैसे बच्चों ने जो है फाइनल जॉब जो है रेडी कर दिया है। तो देखिए ये जॉब देख सकते हो आप, इसकी कितनी सुपर जो फिनिशिंग जो है की हुई है, और आपने स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेसिंग थी जॉब बनाने की वो भी आपने देख ली होगी। तो देख सकते हो आप सीसी की तरह जो जॉब जो है बिल्कुल चमक रही है। और ये देखिए बिल्कुल यहाँ से देखिए किस तरीके से फाइल की सहायता से बच्चों ने इसको रेडी किया है, बिल्कुल देख सकते हो आप। उसके बाद में आपको फिटिंग दिखाते हैं अभी किस तरीके से जो है इनको बनाया गया है। और सबसे पहले तो देखिए इसको फिट करने के बाद में इनका इसकी फिटिंग देखिए इस बच्चे ने कैसे कैसे बनाई हुई है। और फाइनली जो है आपको चेक भी करवाते हैं कि भी आउटर जो साइज है वो कितना है। तो देख सकते हो आउटर साइज जो है बिल्कुल जो हमने 50 mm का रेडी करना था, ठीक है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्ट बच्चे ने टॉलरेंस के अंदर जो है बिल्कुल जॉब को रेडी किया है। इस साइड से जो हमारा जो साइज था वो देख सकते हो आप बिल्कुल 71 दिया हुआ था, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये इसका साइज जो फाइनल जो बन गया है 71.40 जो है, यानी 0.40 जो है वो ज़्यादा है। तो क्वालिटी बिल्कुल सुपर है, बच्चे का जो हुनर जो है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और जितनी भी बच्चों ने जॉब बनाई है वो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं अभी कैसे बच्चों ने बनाई हुई है। उसके बाद में ये जॉब देखिए बिल्कुल बच्चे की फिनिशिंग देखिए, बिल्कुल जो करियर जो किया गया है बच्चों ने जो करियर किया है वो एक्सा और फाइल की सहायता से ही किया है। बिल्कुल एक टेस्ट जॉब हमने बच्चों को दी थी, कम समय में बच्चों ने बिल्कुल ये लगभग 10 घंटे के अंदर बच्चों ने जॉब को ऐप फाइनल रेडी कर दिया है। अगली जॉब देखिए, एक से बढ़कर एक क्वालिटी है, मैं खुद जज नहीं कर पा रहा हूँ भी सबसे जो सुपर जॉब जो क्वालिटी की है वो कौन सी है। अगली जॉब देखिए, ये बच्चों का हुनर है, बच्चों की कला है, बच्चों की मेहनत है। गवर्नमेंट IIT आदमपुर के बच्चों की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। यहाँ बच्चों को हुनर सिखाया जाता है, उनको एक स्किल सिखाया जाता है, एक दक्षता बच्चे के अंदर पैदा कर दी जाती है ताकि वो किसी भी करियर को आसानी से कर सके। देख सकते हो एक से बढ़ के एक जॉब जो है बिल्कुल सुपर क्वालिटी के साथ है, बहुत अच्छी फिटिंग है बच्चों की, देख सकते हो आप। अगली जॉब देखिए आप, ये नहीं है कि भी बच्चे एक ही बच्चे की जॉब अच्छी है, लेकिन सभी बच्चों ने जो करियर जो है बिल्कुल सेम किया है, सेम डायमेंशन दी हुई थी, सेम टॉलरेंस में बच्चों ने जॉब बनाई है। ये देखिए बिल्कुल नेक्स्ट जॉब देखिए, तो प्रिय विद्यार्थियों कंप्लीट जितनी भी जॉब बनी हुई थी वो मैंने आपको दिखा दी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि बच्चों को भी पता चले भी इस तरीके से जो है फिटर ट्रेड के अंदर जो प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है, जो जॉब बनवाई जाती है वो कैसे बनाते हैं। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।